दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ वेब आईटी प्ले में। दोस्तों, आपने मेरे प्रीवियस कुछ वीडियो देखे होंगे जहाँ पे हमने नर्फ राइवल के वीडियोस के अनबॉक्सिंग किए थे। नर्फ एंड स्ट्राइक इलाइट डिसरप्टर था, उसमें एक नर्फ राइवल हीलियोस गन था। तो आज हम उसका रेंज टेस्ट करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में कर नहीं पाए थे, इसलिए आज हम आउटडोर आ चुके हैं। और नर्फ एंड स्ट्राइक इलाइट डिसरप्टर में हम स्पेशली दो डार्ट्स का रिव्यू भी करेंगे, जिसमें उसके जो नॉर्मल ब्लू डार्ट्स आते हैं वो होंगे, और प्लस उसके एक्यूस्टिक जो हमने सेपरेटली परचेस किए थे, जो काइंड ऑफ बोला जाता है एरोडायनामिक वाइज डिस्टेंस वाइज अच्छा शूट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसका रेंज टेस्ट देख लेते हैं। देखते हैं कौन कितना डिस्टेंस तक जाता है। दोस्तों, ये है पहला नर्फ का एक्यू स्ट्राइक जो इलाइट डिसरप्टर के साथ जाता है। तो फर्स्ट हम इसका टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमने शूट किया है ये बर्स्ट मोड से शूट किया है, जहाँ पे हमने ट्रिगर प्रेस करके रखना है और जिसका ऊपर का जो कॉक है, ब्लास्टर है, उसको कंटिन्यूसली प्रेस करते जाना है। दोस्तों, ये हमारा कुछ आया है। दोस्तों, पहला 45, सेकंड 48, ये 50, 51, 52 सब करीब आए हैं। तो दोस्तों, जो इसका एकोस्टिक जो डार्ट है, इसका ऑन एंड एवरेज अगर हम देखें तो ये 50 फीट्स इसने आराम से पार कर लिया है। एक 45 टू 50 टू 53 रेंज में था, तो मैं इसको एवरेज वाइज 50 दे रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारा सेकंड डार्ट है जो नर्फ एलाइट के साथ आता है, जो फोम बेस है, प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक टिप है। तो दोस्तों, इसे भी मैं ब्लास्टर मोड से ही शूट कर रहा हूँ और आई थिंक ये नॉर्मल होने के बावजूद आई थिंक शायद ये ज़्यादा दूर गया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने लेग से ही इसका डिस्टेंस काउंट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये आया है 42 के करीब। दूसरा अगर मैं देखूँ तो ये 43, 44, ये काइंड ऑफ 46। दोस्तों, बल्कि ये हल्का डार्ट है, मगर आई थिंक एक ये जो सिंगल डार्ट है ये 50 फीट क्रॉस कर लिया। तो इसका ऑन एंड एवरेज भले ही कम होगा, मगर आई वाज सरप्राइज कि इसका एक डार्ट 50 क्रॉस कर लिया। इसका दोस्तों एवरेज में इसको पकड़ूंगा 40, 46। तो ये भी एक रेंज टेस्ट में सक्सेस होता है। दोस्तों, अब हम थर्ड देख रहे हैं, जो नर्फ राइवल फैंटम कॉप हीलियोस का जो फोम बॉल्स है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बॉक्स पे जो इसके अमेज़ॉन पे डिस्क्रिप्शन पे लिखा था, ये 100 फीट क्रॉस हो सकता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये कितना फीट तक जाने वाला है। चलिए दोस्तों, देख के तो लग रहा है काफ़ी दूर तक गया है। ये मैं लेग से ही वापस अगेन काउंट कर रहा हूँ। एक लॉन्ग या मीडियम लेग 3 फीट जितना होता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये फर्स्ट आया है 69 फीट पे, ये अराउंड आया है 75, 76 पे। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन तो 100 के करीब था, 75 अबो ही था स्पेशली, मगर देखते हैं, विंड भी काफ़ी डिपेंड करता है। देख ले तो ये भी काफ़ी लॉन्ग है, 78, 79। सबसे लॉन्गेस्ट हम देख लेते हैं कितना दूर तक गया है। सबसे लंबा कहाँ पे है देख लेते हैं। ये अराउंड 82, 85 फीट के करीब आया। और दोस्तों, अगर आप ये देखें तो यहाँ पर बैग्स दिख रहे हैं, वहाँ से हमने शूट किया है। तो दोस्तों, ये 85 तो इसने इजीली पार कर दिया, जो बॉक्स में लिखा था अराउंड 100। तो आई थिंक एक प्रॉपर विंडी हो या फिर एक कंफर्ट हो चलाने में, पावरफुल गन है काइंड ऑफ, ये काइंड ऑफ ये 100 भी क्रॉस कर सकता है। दोस्तों, इसका ऑन एंड एवरेज हम इसे दे रहे हैं 80 फीट, मगर आई बिलीव ये इससे ज़्यादा भी जाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, प्ले सेफ, प्ले हार्ड। बाय बाय।